पूरे प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन पन्ना जिला मॉनसून के दस्तक के बावजूद पानी के लिए तरस रहा है। मॉनसून की बारिश के लिए यहां आम आदमी ही नहीं बल्कि स्कूल के छात्र भी परेशान हैं। स्कूल में प्यास नहीं बुझने के चलते पढ़ाई भी प्रभावित है। मॉनसून की दस्तक के बावजूद पन्ना वासियों की नहीं बुझ रही है प्यास। स्कूलों में छात्रों का हो रहा है बुरा हाल। पानी नहीं होने से छात्रों ने स्कूल आना किया बंद। ये तस्वीर है पन्ना जिला मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर शासकीय माध्यमिक शाला रानीबाग की, जहां पढ़ने वाले बच्चों की प्यास बुझाने के लिए और न ही शौचालय के लिए पानी है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। कई बच्चे पानी नहीं होने के कारण स्कूल नहीं आते हैं। कहाँ पर? तो फिर यहाँ पे पानी कौन भरता? कभी कभी आप लोग भी? स्कूल के शिक्षक छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए पानी का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिक्षकों का ये प्रयास नाकाफी साबित होता है। मैं यहाँ से 350 फुट दूर बूर में पानी निकला है, तो वहाँ से विद्यालय तक पाइपलाइन के लिए हम लोग चर्चा करके प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय तक बोर्ड से पाइपलाइन डल जाए तो छात्राओं को पानी के लिए और बाथरूम में भी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं स्कूलों में पानी के बिना बच्चे कैसे पढ़े, इसकी जिम्मेदारी अधिकारी शिक्षकों पर डाल रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है, लेकिन टीचरों को इस स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो कंटिजेंसी के पैसे से जैसा भी हो लेबर लगा करके या कहीं ना कहीं से पानी की टंकी, पानी के मिट्टी के घड़े रख करके पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। ये हमने सबको निर्देश जारी कर रखा है। लेकिन सवाल उठता है कि स्कूल के शिक्षक यदि पानी के इंतजाम में दिन रात लगे रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इसका जवाब शायद अधिकारी के पास भी नहीं है। पन्ना से विकास सेन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।